दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस अरबी क्लेरिकल के एग्जाम में जिन लोगों ने 8 अगस्त को पेपर इनका हुआ था, तो अगर हम एंड शिफ्ट की बात करें तो काफी लोगों ने रिपोर्ट किया था कि उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। उसके पीछे का रीजन था जो डीआई थी वो थोड़ी सी अलग लेवल की थी, इस वजह से डीआई काफी लोग कम अटेम्प्ट कर पाए और टाइम कंज्यूम हो गया था वहां पर। तो इस वजह से हमने देखा 68 ऐसा थे अटेम्प्ट, 65 थे, 67, 69, इवन 70 के इर्द गिर्द में लोगों के अटेम्प्ट थे। बाकी अगर हम आज देखें 14 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, इसमें काफी लोगों ने रिपोर्ट किया कि पेपर जो है बिल्कुल आसान था और पेपर 75, 77, 78 तक बनाने वाला भी पेपर था। तो देखो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों के अटेम्प्ट कम हुए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो शिफ्ट हुआ है वो अगर दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होगा और आपको मेंस के लिए एंट्री मिलेगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि यार मेरी शिफ्ट में तो बहुत हार्ड पेपर रख दिया, अच्छा खासा लेवल था, पीओ लेवल की डीआई थी। अदर शिफ्ट में लोग पूरा पूरा पेपर बनाकर आ रहे हैं, वो तो उनका रिव्यू यही आ रहा है कि बिल्कुल आसान है। तो ऐसी सिचुएशन में आप भी पॉजिटिव की ओर मूव करना है आपको, और अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट वहाँ पर कम हुए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अटेम्प्ट इंक्रीज होंगे और जो कट ऑफ है उसको आप क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर इंडिकेशन दे रहा है आरआरबी क्लेरिकल का पेपर कि इसमें हाई कट ऑफ में देखने को मिलेगी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा पेपर था और बहुत हाई कट ऑफ में देखने को मिली थी। इस बार अभी देखते हैं, बाकी और भी शिफ्ट बची हैं जिसमें आरआरबी क्लेरिकल जिन लोगों का एग्जाम है, एक बार ये एग्जाम हो जाता है फिर हम एक कंक्लूजन फाइनली आप सभी के साथ में शेयर करेंगे बेस्ड ऑन सारे अटेम्प्ट के साथ में, क्या कि क्या पेपर का माहौल था, क्या मूवमेंट था। लेकिन जिनके कम अटेम्प्ट हुए हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आगे मेंस की तैयारी करो, आपको भी चांस मिलेगा। अगर पेपर टफ किसी शिफ्ट में आता है तो वहाँ पर 21st percentile मेथड से नॉर्मलाइजेशन होता है और नंबर्स में इजाफा देखने को मिलता है। तो आगे हम फिर मिलेंगे और मेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा ओलिव बोर्ड का जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है आप उसको बनाओ, उससे अपनी तैयारी को स्टार्ट रखो और वहां से देखो डीआई पजल्स कैसे हैं, कैसे बन रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना और आगे हम लोग और सेशंस के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।